कराची में बादलों की इनिंग्स दोबारा शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, शहर डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें दरिया बन गई, कई कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। दुकानों और होटलों में भी पानी दाखिल। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियां आधी आधी डूब गई। मोटरसाइकिलें बंद, शहरी धक्का लगाते रहे। शहर कायत में सबसे ज्यादा बारिश शाहराह फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलीर 64, सरजानी टाउन 63, किमाड़ी 59, औरंगी 58, कायदाबाद 52 और ऑल सिटी एरिया में 51 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात की शाम तक वक्त वक्त से बारिश जारी रहने की पेशगोई। कराची में अब्रे रहमत जहमत बन गई। पानी अस्पतालों में दाखिल। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, NICVT अस्पताल और अबासी शहीद अस्पताल वेनिस बन गए। इंतजामी अफसरान के दफातर और वार्डों में पानी जमा। अस्पतालों की इंतजामिया पानी निकालने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट, सिटी कोर्ट और बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के बाहर भी कई कई फुट पानी जमा। गार्डन में सड़क धंस गई, ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कराची का पंजाब चुरंगी अंडरपास पानी से भर गया। सदर आरिफ अलवी के घर के करीब मोहम्मद अली सिविल सोसाइटी में तालाब का मंजर पेश करने लगी। महमूदाबाद, आई चंद्रीगढ़ रोड, बफर जोन, शाहराह फैसल, गटाप, सरजानी और सुपर हाईवे पर भी पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एमने जिना रोड का भी बुरा हाल। तिब्बत सेंटर के करीब सड़क बरसाती पानी में गुजरी। अंडर पास से बोर्ड बेसन आने जाने दोनों रोड बंद। ड्रक रोड अंडर पास को भी बंद कर दिया गया। कराची में बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद, शहरी बेहाल। जिना अस्पताल के ICU में बिजली का शॉर्ट सर्किट। आग लगने के बाद अस्पताल की बिजली मुअत्तल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल ना हुई। ठट्ठा, दादू समेत अंदरूने सिंध के कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, कीचड़ की भरमार। बारिश के बाद कराची पानी पानी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब सरगर्म, रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ट्रैफिक की सूरत हाल, नकासी आप का जायजा लिया। बोले पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी, नकासी आप का काम जारी है। निगरान वजीर आला सिंध का मेयर कराची से टेलीफोनिक राबता। पानी की नकासी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। गवर्नर सिंध का कमिश्नर कराची से राबता, नकासी आप के लिए इकदाम करने की हिदायत। बारिश के बाद कराची की हालत ज़ार पर हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले कराची में बारिश के पानी ने कब्जा करके मेयर की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। नौ तामीर शुदा सड़कें और सीवरेज का निजाम मुकम्मल तबाह हो गया। बारिश की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया। अवाम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी के कराची को पेरिस बनाने के दावे की हकीकत देख चुके। लाहौर पर बादल मेहरबान, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कुनकी बढ़ गई। मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और कलमा चौक बादल खूब बरसे। मॉडल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और एतराफ में भी अब्रे रहमत। पोशाब, जोहराबाद, चीचावती, खानेवाल और गिरदुनवा में जल थल एक हो गया। बलाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी की रौनक के अरुज पर सयाहों का रश। आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अवामी नुमाइंदों का वोटर्स को कायल करने का मिशन तेज। पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। भुट्टो की सियासी मुहिम जनूबी पंजाब पहुंच गई। रहीम यार खान में गर्जें और बरसेंगी। जमात इस्लामी की भी भरपूर इलेक्शन मुहिम। सिराजुल हक रावलपिंडी और इस्लामाबाद कारकुनों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज कल मरी में जलसे से खिताब करेंगे। एक न्यूज की एक आवेश, एक इलेक्शन सिटी के जरिए आप तक मुख्तलिफ हलकों में होने वाली गहमा गहमी, कहां कौन उम्मीदवार है, किसकी क्या पोजीशन है, लोग क्या राय रखते हैं और उससे बढ़कर मसाइल क्या है और उनके हल के लिए दावे क्या किए जा रहे हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों एक न्यूज की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी इलेक्शन कवरेज। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक पल पल की खबर, सिर्फ एक न्यूज के प्लेटफॉर्म एक इलेक्शन सिटी पर। कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों में क्या हो रहा है, कितनी आबादी, कितने मर्द, कितनी खवातीन वोटर्स, कौन कब किस हलके से जीता और कौन कब हारा, इंतखाबी जलसे, जोड़ तोड़, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियां, वोटिंग गिनती और नतायज की लम्हा बलहमा कवरेज, सिर्फ एक न्यूज पर।
NA 237 कराची मसाइल का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज सफाई सुथराई की मसाइल सरे फहरिस्त, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से भी आवाम परेशान। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां उरूज पर, गली मोहल्लों में हर जू पार्टी परचमों की बहार, हल्के में 36 उम्मीदवार मैदान में। एमकेएम के रऊफ सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी, नून लीग के रेहान कैसर शेख भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2018 में पीटीआई के उम्मीदवार अली जैदी ने मैदान मारा। करप्शन कम की है और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। जिस जज ने बतौर वज़ीरे आज़म मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी मचा कर कहते हैं, यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे साथ खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा पीटीए हुकूमत ने हमारे मंसूबों को खत्म किया। मरियम नवाज बोली मुल्क को तबाह करने वाला वायरस हमेशा के लिए खत्म हो चुका। वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। मियां साहब का ये कोशिश है कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके। और मियां साहब को मुल्क या मईशत के नुकसान की फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुंचना है। उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए उन्हें इख्तदार की कुर्सी पर बैठना है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी, मीरपुर खास में जलसे से खिताब, कहा ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं कि धांधली करो, जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं ये डरपोक है। मैंने मनाजरे का कहा वो खौफजदा है, क्या आप किसी बुजदिल को वोट देंगे?